कई बार छोटी छोटी मुलाकातें जीवन को परिवर्तित करने के लिए काफी होती है। हम किसी एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे या फिर ऑफिस की मीटिंग में थे, अनायास ही एक व्यक्ति से मुलाकात होती है और पूरा जीवन वहीं से परिवर्तित होकर रह जाता है। किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ में सफर करते हुए मुलाकात हुई और मालूम चला कि वही जीवन का हम सफर बन गया और पूरे ही मार्ग को परिवर्तित करने का कार्य कर दिया। हम कई बार ऐसी सारी ही घटनाओं को इंसिडेंट्स का नाम देते हैं कि इत्तफाकन ये पोजीशन हमारे जीवन के भीतर आई, नई राह दिखाई और हम जहां हैं आज उसी स्थिति और उसी घटना के बलबूते हैं। तो व्यक्ति इन सारी स्थितियों को अनायास स्तर के ऊपर देखने का कार्य करता है, किंतु इसको दूसरे दर्जे के साथ में देखा जाए तो ये समझ में आता है कि ये सारी ही घटनाएं प्रकृति के संकेत मात्र थे जिसने हमारे जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने का कार्य कर दिया। देव गुरु बृहस्पति, जिनको इन 12 ही भावों में सबसे अधिक कारकत्व प्राप्त है, यानी कि 12 भाव में प्रत्येक भाव एक स्पष्ट कारकत्व की स्थिति को लिए हुए होता है, यानी कि स्थूल स्थितियां क्या क्या रही है। और जब हम चंद्र राशि की चर्चा करें तो ये जो राशि भाव है ये बताता है कि आपके मन के भीतर की अचल स्थितियां किस तरह से रहेंगी और हम किस तरह अपने निर्णय की प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो द्वितीय भाव जो कि धन, कुटुंब और वाणी के साथ में चलता है। तृतीय इति पराक्रम, व्यक्ति का साहस किस तरह से है, धैर्य किस तरह से जीवन में कार्य करेगा, मित्रों के सहयोग से वो व्यक्ति कितना आगे बढ़ेगा। तो वहीं पर यह भी ध्यान पड़ता है कि महत्वाकांक्षाएं कितनी रहेंगी। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जिन महत्वाकांक्षाओं की वजह से व्यक्ति आगे बढ़ता है, कॉर्पोरेट कल्चर में ड्राइविंग फोर्स व्यक्ति की क्या है, किस तरह से वो अपने कार्य को अंजाम देगा, किस तरह से वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ में चलेगा, बैकबोन वहां पर महत्वाकांक्षा बन जाती है कि एक से दूसरे स्तर पर कुछ ना कुछ अचीव करना है। ये थर्ड हाउस की पोजिशन जिसको हम प्रथम उपचय भाव भी कहते हैं। तो वहीं चतुर्थ भाव जो कि द्वितीय केंद्र भी है, मानसिक सुख, माता, वाहन सुख और सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ी हुई पोजीशंस का आधार और वहीं पर नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़कर व्यक्ति विशेष कैसे आगे बढ़ेगा। पंचम जो कि द्वितीय त्रिकोण है, जहां पर हम शिक्षा, संतान, वहीं गर्भ धारण करने वाली स्थितियों में महिलाओं की स्थितियां क्या रहने वाली है, यह सब कुछ पंचम भाव दिखाने का काम करता है। रोग, रिपु, ऋण, गृहस्थ भाव, हिडन प्रॉब्लम, भाग्य, आध्यात्म, अनुभव, तो वहीं दशम भाव व्यक्ति के कर्म, आजीविका, प्रबंधन की स्थितियों को दिखाने का एक मार्ग प्रशस्त करता है। तो वहीं एकादश सर्वांगीण लाभ को दिखाता है। तो द्वादश व्यय है और इसमें द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश, इसके साथ में देव गुरु बृहस्पति का कारकत्व जुड़ा हुआ होता है। और ये सारी ही भूमिका को बनाने के पीछे प्रयोजन ये था कि जो 30 जून 2020 से देव गुरु बृहस्पति अपने राशि संचरण को परिवर्तित कर रहे हैं, यानी कि फिर से मूल त्रिकोणस्थ स्थितियों में चलायमान रहेंगे। धनु राशि में जब प्रवेश कर जाएंगे तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए किस तरह के फलाफल सामने आ सकते हैं, 30 जून से लेकर 20 नवंबर 2020 के समय अंतराल में इसकी सर्वांगीण चर्चा लेकर हम यहां आप सभी के सम्मुख हाजिर हुए हैं। यहां अगर इसको और ज्यादा डीपर पोजीशंस में देखा जाए तो 30 मार्च 2020 एक ऐसी तारीख रही जहां देव गुरु बृहस्पति मकर राशि में गतिमान हुए और वो भी अतिचारी स्थितियों के साथ में, शनिदेव पहले से विराजित तो उनकी राशि के अंदर यहां नीचस्त स्थितियों में विराजमान रहे। 14 मई ऐसी तारीख रही जहां वक्रगत हुए और अभी 30 जून को जब वक्रगत रहते हुए ही धनु राशि में फिर से प्रवेश कर जाएंगे, जो कि इनका स्व राशि स्थान, प्रिय राशि स्थान है, जिसको हम मूल त्रिकोणस्थ होना भी कहते हैं, जहां उच्चस्थ स्थितियों में केतु पहले से विराजमान है और यहां पर देव गुरु बृहस्पति कारक भाव की हानि तो करते हैं, किंतु उसके साथ ही साथ में अगर हम एक और कैलकुलेशन देखें तो इनकी अमृतमय दृष्टि 6th हाउस को, 8th हाउस को और वहीं 10th हाउस की पोजीशंस के अंदर अपने एस्पेक्ट्स को दिखाने वाली होती है। नवीन रिफ्लेक्शन भी इस दृष्टि के साथ में निकल कर आते हैं। हालांकि हम तारीखों के साथ में बात को कंटिन्यू करें, 13 सितंबर एक ऐसी तारीख रहेगी जहां से देव गुरु बृहस्पति
फिर से जो है मार्गी स्थितियों में आ चुके होंगे। 23 सितंबर ऐसी तारीख रहेगी जहां से केतु जो है वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे और राहु की पोजीशंस भी रेट्रोगेट चलते हुए, हमेशा रेट्रोगेटिंग पोजीशंस में रहते हैं, ये सप्तम के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक स्तर के ऊपर यहां अपने फलाफल को दिखाने वाले हो जाएंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण पोजिशन है। तो 20 नवंबर तक के अंतराल में सबसे पहले अगर मैं चर्चा करता हूं तो व्यापारिक जीवन के अंदर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे पहले यह गौर किया जाए कि 24 जनवरी 2020 को 7:30 का अंतराल पूर्ण हुआ और शनिदेव नैसर्गिक तौर के ऊपर स्वराशि स्थान में आपके लिए बेहतर फलों को यहां पर प्रतिपादित करने वाले पहले से ही हैं। और जब यहां धन भाव में भले ही कारक भाव की हानि करने वाले देवगुरु हों, किंतु व्यक्ति विशेष के साथ में जो व्यापारिक जीवन के ऋण जुड़े होते हैं उसके अंदर आपके लिए एक रिलीफ निकल कर आ सकती है। इस बात पर आप पूर्णतया गौर करके चलिएगा। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता कि व्यापारिक जीवन में जो शत्रुपन पे हुए थे, जिसकी वजह से एक डिस्टर्बेंसेस ड्रिवन अप्रोच लगातार आपको परेशान कर रही थी, वहां पर भी एक नियंत्रण स्थापित होगा। शत्रु दो स्थितियों के साथ में व्यक्ति के जीवन में नियंत्रित होते हैं। पहला स्तर है डिप्लोमेसी के साथ में चलना, तो दूसरा स्तर है स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ में जवाब देना। डिप्लोमेसी की पोजीशंस में व्यक्ति कई बार खुद को शांत चित्त रहकर ऐसी प्रॉब्लम से अवर्ट करने का कार्य करता है, तो वहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच में जवाब देता है और कहता है कि यहां पर हमारे व्यक्तिगत हितों का टकराव और व्यापारिक हितों का टकराव आ रहा है, इससे हमको दूर रहने की आवश्यकता है, जिससे कि एक स्पष्ट संदेश मिलता है। और देव गुरु बृहस्पति ऐसी ही सारी प्रवृत्तियों को आपके लिए उजागर करने वाले हो जाते हैं। व्यापारिक जीवन में जिस धनागमन की संभावनाओं के साथ में आप एक रुकावट महसूस कर रहे थे, तीव्रता में कमी महसूस कर रहे थे, वहां फिर से एक गेनफुल अप्रोच आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर बनी रहेगी। स्पष्ट दृष्टिगोचर स्तर पर इस बात का आप ख्याल रखकर चलिएगा, पहली प्रवृत्ति तो ये। और वहीं पर जो बिजनेस के अंदर एक रोटेशन आना चाहिए, क्योंकि केतु भ्रम के साथ में एक तीव्रता देते हैं, तो यहां सेकंड हाउस में जब उच्चस्थ विराजित रहेंगे, ध्वज नामक स्थितियां जब यहां पर बनेगी, तो ये आपके लिए फाइनेंशियल गेन के प्रोस्पेक्ट्स को भी लेकर आ सकती है। और जब ऋण का समाधान हुआ तो व्यक्ति अपने जीवन में एक स्वच्छंद श्वास के साथ में चल पाता है, क्योंकि जब भी फाइनेंशियल बर्डन के साथ में चलता है तो वो अपने क्रिएटिव थॉट प्रोसेस को, अपनी ऊर्जा को दूसरे स्तर पर लगाने का कार्य करता है। यहां ऐसी प्रवृत्तियां अब दूर होती हुई आपके लिए दिखाई देंगी। तो वहीं जो बिजनेस में बारंबार हिडन प्रॉब्लम्स आ रही थी, यहां आप 30 जून से लेकर 13 सितंबर तक उन हिडन प्रॉब्लम्स के ऊपर एक तरह से अल्प विराम लगता हुआ पाएंगे। यानी कि जो बारंबार एक अप्रोच स्टिफर कैलकुलेशन के साथ में सामने आ रही थी, देव गुरु की ये जो सातवीं दृष्टि है यहां कंट्रोल्ड अप्रोच देगी। राहु वैसे भी अष्टम में विराजित होकर भले ही उच्चस्थ हो, किंतु आपको भ्रमित करने का कार्य कर रहे थे, और जो हिडन टैलेंट है जिस लेवल पर सामने आना चाहिए वो पूर्ण रूपेण नहीं आ पा रहा था, तो वहां पर भी एक नियंत्रण स्थापित रहेगा। ये तो एक बात है। वहीं दूसरे स्तर पर आप ये भी गौर करके चलिएगा कि जो हमारे लिए दूरस्थ स्थानों के साथ में कामकाज जुड़े रहते हैं, व्यापारिक जीवन में वहां पर भी वृद्धि आपके लिए आ सकती है। कर्म की संभावनाएं बेहतर तरीके से चलने वाली होंगी। जब व्यक्ति के लिए संकेत अच्छे हों, 7:30 का अंतराल जा चुका हो, व्यापारिक जीवन में वो फिर से गति पकड़ चुका हो, और वहां अगर नैराश्य नहीं पनपता है, वहां भीतर से एक ऊर्जा की प्रतिध्वनि सामने आती है जो कि स्वप्रबंधन, सबसे पहले व्यक्ति प्रबंधन की जो एक स्टेप वाइज पोजिशन चढ़ता है, वहां सबसे पहले खुद के साथ सेल्फ डिसिप्लिन की पोजिशन आती है। तो यहां जब भी नौवीं दृष्टि से देव गुरु देखने वाले हो जाते हैं, तो आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन की अप्रोच को बहुत बेहतर तरीके से सामने रखने वाले होते हैं। तो पहली अप्रोच तो यह रहेगी। व्यापारिक जीवन के आधार पर कुल जमा जोड़ में बात करूं, ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर आपके लिए एक सुगमता बन सकती है। हिडन प्रॉब्लम्स उस लेवल के ऊपर परेशान करने वाली नहीं रहेंगी। कर्म में तीव्रता रहेगी, तो वहीं स्वास्थ्य में आप ये ख्याल रखकर चलिएगा कि जो उदर संबंधी व्याधियां होती है या जो खान पान के ऊपर अनियंत्रित होने वाली जो स्थितियां कई बार निकल कर आती है, वहां आपको इन महीनों में बहुत ज्यादा
तरह सावधान होकर चलने की दरकार रहेगी। दूरस्थ स्थितियां यानी कि विदेश के साथ में तकनीक से जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज है, आउटसोर्सिंग आदि, जहां पर मंगल और शनिदेव की पोजिशन और बुध की भी पोजिशन को देखना आवश्यक होता है, देव गुरु बृहस्पति वहां एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को लेकर आते हैं, तो यहां आपके लिए वो भी एक रफ्तार सामने आ सकती है। भ्रम से आप निरंतर दूर होते चले जाएंगे। और वहीं व्यापारिक जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण ऋण को लेना है, उस लिहाजा भी ये समय अंतराल आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। वहीं अगर मैं चर्चा नौकरी पेशा जीवन की करता हूं, यहां आप एक बात गौर कीजिएगा कि जो कई बार क्लैशेस वाणी के द्वारा निकल कर आते हैं, वो इस समय में आपको परेशान करने वाले नहीं हो। जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ये जानकारी पूर्णतया हमारे पास में पहुंच चुकी है कि हमको वाणी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलना है, इसका आशय क्या है कि कहीं पर भी हम क्लैशेस की पोजीशन को देखें, कोई व्यक्ति हमको बारंबार नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेट कर रहा है, तो हम उस फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होंगे, एक मुस्कुराहट के साथ में वहां से खुद की पोजीशन को अवॉइड करते चले जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण आधार आप बनाकर रखें। यहां कुछ नए ऑफर्स भी आपके लिए पैरेलल अप्रोच में सामने आ सकते हैं। कोई भी इंटरव्यू आदि की पोजीशन आती है, खुद को एक बार रीचेक करने के लिहाजा भी उस इंटरव्यू की ओर आपको जरूर जाना चाहिए। ऐसी सारी ही पोजीशंस की एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाकर चलना आपके लिए हित कर रहने वाला रहेगा। कुटुंबी जनों के साथ में जो पिछले 3-3.5 महीनों से एक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, यहां एक जुड़ाव स्थापित रहेगा। धनागमन की संभावनाएं बेहतर तरीके से बनी हुई है, किंतु संचय की प्रवृत्तियों के साथ में आपको चलने की आवश्यकता होगी। और वहां पर जो एक तरह से आपका ज्ञान है, आपकी किसी फाइनेंशियल लेवल के ऊपर विषयगत जानकारी है, उसका बेनिफिट पूर्णतया उठाकर चलने का आप प्रयास कीजिएगा। ये भी एक सार गर्भित स्थिति यहां सामने आती है, गौर करने लायक बात यह रहेगी। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा, जो कई बार हमारे लिए स्थान परिवर्तन की संभावनाओं के साथ में चलता हुआ समय आता है, वो आपके लिए एक पोजीशन लेकर आ सकता है। अगर आप शिक्षा संबंधी किसी भी नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं, तकनीक की समझ को रखना और खुद को अपडेट और अपग्रेड करना इस समय की सबसे महती आवश्यकता आपके लिए रहेगी। गौर करके चलिएगा आप इस बात के ऊपर भी पूर्णतया। कुल जमा जोड़ नौकरी पेशा जीवन में संशय से मुक्त होकर चलने का प्रयास यहां आपको करना चाहिए। वहीं अगर मैं कारकत्व प्राप्त स्थानों की देवगुरु के साथ में बात करूं, तो यहां सेकंड हाउस में कारक भाव की हानि करने वाले हो जाते हैं, इसी वजह से धनागमन की संभावनाएं तो रहेंगी, किंतु संचय में अनुभव की आवश्यकताएं भी पूर्णतया रहने वाली है। वाणी पर नियंत्रण स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण एक लेवल आपके लिए रहेगा। तो वहीं अगर आप देखते हैं कि पंचमेश, ये बहुत बेहतर स्थिति है, जो भी लोग वक्ता की श्रेणी के साथ में जुड़े हुए होते हैं, जो भी लोग कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं, मार्केटिंग के फील्ड के साथ में, रेडियो जॉकी के फील्ड के साथ में, लेक्चररशिप के साथ में, या कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष जहां समझाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, और व्यक्ति तब ही बेहतर तरीके से समझा पाता है जब किसी विषय की पकड़ खुद के भीतर बहुत गहराई के साथ मौजूद हो, वहां उसको बहुत ज्यादा मनन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अध्ययन मनन और चिंतन की श्रेणियों के साथ में वो पहले ही निकल चुका होता है। तो जब पंचमेश, यहां आप कैलकुलेटिव अप्रोच में देखें कि पंचम भाव का आधिपत्य देव गुरु बृहस्पति के पास में, और ये ज्ञान के अभ्योदय का भाव है, और इसके अधिपति जब यहां द्वितीय भाव के भीतर विराजित हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपके ज्ञान को वाणी में रूपांतरित करने का कार्य करते हैं, और जो भी क्षेत्र विशेष जहां आप अपना एक वरद हस्त चाहते हैं, जहां आप अपना पूर्ण अधिकार चाहते हैं, ये स्थिति वहां एक बेहतर से बेहतर लेवल को देने वाली होती है। संतान पक्ष के लिहाजा जो भी चिंताएं बनी हुई थी, 4-10 का ये संबंध वहां पर भी एक बेहतर पोजीशन को आपके लिए लेकर आने का कार्य कर सकता है। शेयर मार्केट संबंधी किसी भी क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, लंबे समय तक आपने रिसर्च की है, तो आप देखें कि सबसे पहले तो जो शिक्षा भाव के अधिपति हैं वो द्वितीय भाव में, और यहीं से जो है रिसर्च और हिडन हाउस को देख रहे हैं, तो वो सारी ही पोजीशंस का बेनिफिट आपको
मिलने का कार्य यहाँ पर हो सकता है। जिन भी महिलाओं ने एक तरह से फैमिली वे की पोजीशंस के साथ में चलना जो है एक तरह से आरंभ किया है, 16-20 वीक्स के साथ में आप चल रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लिटरेचर आदि को पढ़ने की तरफ अगर आप जाते हैं तो मन में एक संतुष्टि का भाव भी निरंतर तौर के ऊपर बना रहेगा। ये भी आप पूर्णतया स्मृतियों में रख कर चलते चले जाइएगा। क्षमताओं के आकलन में यहां पर गलती नहीं होगी, ये भी एक क्लैरिटी आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं भाग्य के साथ में यहां 6-8 का संबंध रहने वाला है। ये दो प्रवृत्तियों की ओर इशारा करता है। आध्यात्मिक चेतनाओं के ऊपर भौतिकता हावी रहने वाली रहेगी, तो वहीं पर जो एक तरह से दर्शन के साथ में चलता हुआ व्यक्ति होता है वहां आपके लिए ये समय एक कॉन्सेंट्रेशन की अप्रोच लेकर आ सकता है। हायर स्टडीज के अंदर आप नए मुकाम हासिल करने की ओर एक अच्छी अप्रोच के साथ में बढ़ते चले जाएंगे। यहां कोई भी रुकावट या बाधा मैं आपके लिए नहीं देख रहा हूं। अनुभव का जो बेनिफिट मिलना चाहिए और जो ओवरऑल लाइफ में, एक तो आप देखें कि फाइनेंशियल लेवल के ऊपर जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है उसका बेनिफिट तो मिलेगा, किंतु ओवरऑल लाइफ में जो एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलना चाहिए उसका एक स्तर थोड़ा सा कम होगा। और यह भी आप ध्यान रखिएगा कि 23 सितंबर से लेकर जो 20 नवंबर 2020 तक का समय अंतराल रहने वाला है वो प्रवृत्तियों को आपके लिए अनुभव, आध्यात्म और हायर एजुकेशन के हिसाब से और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला रहेगा। वहीं अगर मैं 10th हाउस की चर्चा करता हूं तो यहां से नवम पंचम का संबंध है और वहीं पे 9वीं दृष्टि से देव गुरु बृहस्पति की जो पोजीशन है दशम भाव को देखने वाली भी रहेगी। ऐसे लिहाजा प्रबंधन के अनुसार ये समय बहुत ज्यादा बेहतर आपके लिए कहा जाएगा। इच्छा शक्ति में दृढ़ता बनी रहेगी, जॉब में नए ऑफर, व्यापारिक जीवन के अंदर नए संबंधों का बनना और वो भी आपकी कर्मशीलता के आधार पर, आपकी लॉयल पोजिशंस का दूसरे लोगों की निगाहों के अंदर एक उच्चतर सम्मान मिलते चले जाना, ये प्रवृत्तियां भी यहां रहेंगी। पिता के साथ कोई भी कामकाज को आप आगे बढ़ा रहे हैं वहां पर भी तीव्रगामी होकर चलते चले जाइएगा आप। और वहीं अगर हम देखते हैं तो सर्वांगीण लाभ के साथ में 4-10 का संबंध जो कि बृहस्पति का कारकत्व प्राप्त स्थान है, ऐसी स्थितियों में भी आपके लिए सर्वांगीण लाभ निकल कर तो आएगा किंतु वो कर्म से उचाट करने वाली प्रवृत्तियां लेकर आ सकता है। सैद्धांतिक तौर के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो आपके लिए गृहस्थ जीवन के साथ में जो सर्वांगीण लाभ निकल कर आने चाहिए, जो छोटी छोटी परेशानियां चल रही थी वहां समझाइश के साथ में नियंत्रण आ सकता है। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति यहां रहने वाली रहेगी जिससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। और वहीं विदेश संबंधी कामकाज के साथ में मध्यम दर्जे की स्थितियां आपके लिए बनी रहेगी जैसे कि मैंने आपके लिए यहां पर चर्चा की थी। तो ये था देव गुरु बृहस्पति का वृश्चिक राशि के लिए जो ये संचरण का प्रवर्त ये समय अंतराल आ रहा है उसके आधार पर पूरा ही प्रेडिक्शन। इसी आधार पर आप इन महीनों की अपनी प्लानिंग कीजिएगा और जिस जिस बेस की मैंने चर्चा की है उसी लेवल के साथ में बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जीवन को समझना, सुगमता के साथ में चलना, ग्रहीय व्यवस्थाओं के संकेत के आधार पर अपने जीवन को और ज्यादा अच्छे से लेकर चलते चले जाना, यही जनमानस की चेतनता का एक प्रतीक रहे। मैं ऐसी ही चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख हाजिर होता रहूंगा। धन्यवाद और आभारी हूं हृदय से।